हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इन दिस वीडियो मतलब हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम इसमें तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ मित्र दोस्तों। मैं इस वीडियो में मराठी में थोड़े बोलने वाला हूँ, वैसे ही इस में लिखा हुआ है। महाराष्ट्र शासन। दोस्तों महाराष्ट्र शासन ने बात सारे जो फिफ्थ और एट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं इनके लिए ये बात भेजी है कि डॉक्टर ये बहुत काम की न्यूज है। उपरोक्त संदर्भीय प्रदान हुए परीक्षा परिषदे मार्फत पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा इयत्ता पांचवी व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा आठवीं ही दिनांक 23/5 रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात एकाच दिवशी घेण्यात येणार होती। तथापि राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कोरोना विषाणूचे वाढता प्रभाव प्रादुर्भावामुळे पाहता विद्यार्थी हितास प्राधान्य देऊन सदर परीक्षा पुढची तरतूद पुढे ढकलण्यात आली आहे। मित्रांनो, परीक्षेसाठी पुढील तारीख यथावकाश कळवण्यात येईल। यथावकाश म्हणजे पुढील जे आता म्हणजे कोरोना कधी कसा हालचाल पुढे घेत आहे का, जे असं थोडं कमी होणार आहे आता ते पाहूनच आपल्याला हे कळेल, म्हणजे कसं सांगणार असे तर कळलं। यथावकाश म्हणजे पुढील परिस्थिती बघून उपरोक्तनुसार झालेल्या बाबतीत सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी। मित्रांनो, म्हणजे ही जी आपली परीक्षा होती ती सुरुवातीला नेहमी मित्रांनो मी सांगतो की कधी ही परीक्षा आहे फेब्रुवारी महिन्यातल्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या ह्याच्यावर काय शनिवार रविवारी होत असते। मात्र यावेळेस कोरोना विषाणू या आजारामुळे ही जी परीक्षा आहे ती पुढे ढकलण्याची वेळ येत आहे। सुरुवातीला 25 एप्रिल, तर त्यानंतर 23 मे अजून काही झाले नाही, 23 मे तर होईलच, पण मग 23 मे न ढकलली मग तिथूनच पुढे ढकलण्यात आली आहे। ती तारीख अजून काही कळवली नाही, ती तारीख आता आपल्याला कळवण्यात येणार आहे। म्हणजे पुढील परिस्थिती बघून आपल्याला समजत आहे। आणि ही वेबसाईट आहे www.mpa.msc.pune.in ही जी वेबसाईट आहे ही अशी आहे। त्यांच्या कोणाकडे डाऊट्स असतील ही mscscholarship@gmail.com या मेलला आपण मेल टाकू शकता। दूरध्वनी क्रमांक 20 020 02 7 12 23 ते आहे ना, त्यावर तुम्ही पाहून घेऊ शकता। तेव्हा त्यानंतर ते दूरध्वनी क्रमांक मी एकदा सांगतो 020 26 12 36 66 66 असा हा आकडा आहे। मग दोस्तों ये जो थारा था वो मराठी में था, इसलिए मैं मराठी में थोड़ा बोला, बट दोस्तों मैं तो हिंदी में बोलूँगा। ये जो है दोस्तों ये पुणे से हमें मैसेज आ चुका है, ये साइट ही पुणे की है। दिनांक 10/5/10 तारीख में थे ये। तुकाराम सूप आयुक्त है, वो उन्होंने इसकी छन्नी चली है। महाराष्ट्र राज्य परिषद पुणे 01 ऐसा इधर यह हुआ है, उनका ये लोगो है। और ये चिन्ह है, और ये किधर से डॉक्टर अंबेडकर मार्ग पुणे इधर से आया हुआ मैसेज है। ये प्रसिद्ध पत्रक हमें कुछ लेने हैं, मतलब ये क्या है हमारे जो साल कुछ शाला दी गई है उनके संदर्भ में बात दी रही, बट ये जो हमें सारी चीज़ें हैं ये हमने देख ली है। हमें सारी चीज़ें तो आपको समझ गए होगी, उनका डाउट्स पूछना है जीमेल पर,
दूरध्वनी क्रमांक दिया हुआ है, वेबसाइट है, सारी चीजें इन्हें दी हुए, समझा? देन दोस्तों आपको समझ गया होगा, जैसे ही हमें जी जो यथावकाश मतलब परिस्थिति के मन से तारीख आ चुका जाएगी तब मैं आपको बता दूंगा। तो सब्सक्राइब करना जिससे मैं डेली भी वो वीडियो डालूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। आगे कक्षा है पर पांचवी के जो विद्यार्थी वो आगे जाएंगे तो उनके लिए भी हम वीडियो डाल रहे हैं सिक्स स्टैंडर्ड के ऑल सब्जेक्ट्स का। कुछ सब्जेक्ट्स बाकी रह गए स्टार्ट करना, वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों यही था हमारा वीडियो, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना यथावकाश के लिए और बेल आइकन के चक को क्लिक करना, मिलेंगे सारे आपको नोटिफिकेशंस।